संगत जी, इस वक्त असी पहुंचे हुए हैं शहीदी बाग, गुरुद्वारा श्री शहीदी बाग। हुण जी गल करिए कि बाग का नाम शहीदी बाग किवें पिया, तां श्री आनंदपुर साहब विखे जब भारी जंगा का दौर शुरू होया, इन्हां जंगा विच जो भी सतगुरां दे सिंघ शहीद हुंदे सी, उन्हां दीआं पावन देहां दा जिहड़ा अंतम संस्कार है, उह गुरु साहब बाग दे विच इक स्थान ते ही करदे रहे, जिस करके वह शहीदां दा अंगीठा साहब करके प्रसिद्ध होया। क्योंकि शहीदां दा अंगीठा साहब बाग विच सी, इस कारण बाग का नाम ही शहीदी बाग के नाम नाल प्रसिद्ध हो गया। सो जिथे शहीदां दा अंगीठा साहब सी, उस स्थान पर गुरुद्वारा सुशोभित है जिथे असी मौजूद हैं। जे हुण इत्थे पुरातन रुखां की गल करिए, सामने देख रहे हो कि काफ़ी विशाल और पुरातन जिहड़े बोड़ दे दरख्त, इदा भी कलावे च लैण लई जिदा खड़े हुंदे इस टाइप हैगे ने, उन्होंने जिहड़ियां हवाई जड़ां ने एरियल रूट्स ने, वह भी जमीन च जा रही ने। बोड़ा तो बिना इत्थे निम्मा नज़र आउंदियां ने, शरीह नज़र आउंदा और जामणा नज़र आउंदियां ने, पिलकल लगी हुई है वाह वड्डी। पर जिहड़ा सामने नज़री आ रहा बोड़ दा दरख्त, ये काफ़ी जो देखन तो लग रहा कि काफ़ी पुरातन है, क्योंकि इहदा तणे दा जिहड़ा तुसीं देखोगे किन्ना विशाल है, और इहदियां जिहड़ियां हवाई जड़ां ने वो भी काफ़ी कुछ तो वड्डा आकार लै चुकी ने। वाह क्या विशाल दरख्त है, कलावे च लैण नूं दिल करदा, और कलावे च पूरा आव नहीं रहा, मैं लगता जो दो जने होइए तां भी शायद पूरा ना आवे। रब राजी रखे इहो जिहे बिरख बूटे नूं।